आज राजस्थान के करंट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि मैं आपसे पूछूं, ये नाम सुना है नोनेरा बांध, बताइए। नोनेरा बांध अब अखबार में नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं लगेगा, कल के न्यूज़पेपर में था, उससे एक दिन के पहले में था। मैं इसी की बात करने जा रहा हूँ, क्या है ये, कैसे है। चलो ये बताइए, आपने PKC योजना का नाम सुना है? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने PKC योजना का नाम सुना हो? चलो कोई बात नहीं, ये नाम सुना है ERCP, ये सुना है ERCP? नहीं, आपकी तो छोड़िए, आप नहीं सुन सकते, ये तो सुना होगा। देखिए ये जो है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इंग्लिश में आप कहोगे तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये है, साथ साथ लिखते जाओ, ये है। ये जो योजना प्रारंभ की गई थी 2016 में, अब राजनीतिक कारणों से, देखिए योजना तो बहुत बढ़िया ही होती है। राजस्थान, देखिए पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, इन सब में नहर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाना, बताइए कितना डेवलपमेंट होगा। आज नहर नहीं है तो भी आप अलवर भरतपुर को यदि सरसों के क्षेत्र में देखोगे तो टॉप के हैं, और यदि आप नहर दे दोगे तो सोचिए क्या हो जाएगा। लेकिन राजनीति का शिकार रही और ये ऐसा हो नहीं पाया। देखते हैं, ये जो है PKC, पी का मतलब है पार्वती, के का मतलब है काली सिंध, ध्यान रखना ये नदियों के नाम है, वह चंबल योजना, ठीक है ना, ये तीनों नदियां हैं। इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था 2004 में नदी जोड़ो परियोजना के तहत, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में ये काम हुआ था, एक नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे। उसके अंदर ही यहाँ राजस्थान के संबंध में एक आई थी PKC, पार्वती है, काली सिंध है और चंबल है, ये तीन नदियां, ध्यान रखना। ये चले, अब हुआ क्या, फरवरी 2024 के अंदर, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, फरवरी 2024 के अंदर एक समझौता हो गया, किन के बीच में, राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, MOU पर हस्ताक्षर हो गए, इनके बीच में ये मिले, ठीक है ना, ये तीनों मिलकर, ये तीनों मिले, साइन किए इन्होंने, और इस योजना का एक नया नाम आ गया। अब इसका नया नाम क्या है, PKC ERCP योजना। योजना ये है, चले आइए। अब
इस योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी इस योजना की जो लागत बताई जा रही है ये 40,000 करोड़ रुपए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो राजस्थान का हिस्सा है वो 4,000 करोड़ है। अभी जो बात है मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक। अब इस लागत में चलो आगे, चले। अब ये जो पैसा लग रहा है इसमें आपको इस जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कितना हिस्सा, ये हिस्सा वाला क्वेश्चन आते हैं। यहां लागत के नीचे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, इसमें हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये है 90% और राजस्थान और मध्य प्रदेश का कितना है 10%। समझे बात को, ये ध्यान रखना। चलें, अब मुझे और बात नहीं करनी है। राजस्थान का हिस्सा आप ध्यान रखें, राजस्थान मध्य प्रदेश का 10% है, मतलब राज्यों का 10% है भाई, होता है ना केंद्र राज्य, तो राज्यों का 10% हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है इसमें। हम यहां पर जो पकड़ेंगे राजस्थान को, कई सवाल है। एक तो राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, पहला सवाल ये, ठीक है। और दूसरा जो है प्रभावित जिले कितने होंगे, मतलब किन जिलों को फायदा होगा, कितने जिलों को फायदा होगा, ये है, ठीक है ना। तो इसमें जो पानी मिलेगा वो है 3677 MCM, ये यूनिट होती है पानी की, 3677 MCM पानी मिलेगा। पहले जब ये अकेली योजना थी, ठीक है ना, जब मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश को इसको जोड़ा नहीं गया था तब कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिलेगा तो फायदा है, ठीक है ना। और इसमें जो प्रभावित जिले हैं वो 13 हैं, ये अंक याद हो जाने चाहिए। अब नए जिले मैं इसके अंदर शामिल नहीं कर रहा हूं, समझे ना बात को, और अभी आपने करने भी नहीं है क्योंकि अभी नए जिले कुछ नहीं है, समझे ना। वो समिति ने आके कह दिया बताएंगे, अब कब बताएंगे क्या बताएंगे ये तब की तब भविष्य के गर्भ में कुछ नहीं कह सकते। तो इसमें जो प्रभावित जिले हैं जैसे हाड़ोती के आप सभी जानते हो, बताने की जरूरत है क्या, कोटा बूंदी बारां झालावाड़, चार जिले ये हो जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, क्योंकि हाड़ोती नाम लेते ही सभी जानते हैं कोटा बूंदी बारां झालावाड़, तो इसलिए याद हो जाएगा ये, ठीक है। और पूर्वी राजस्थान है तो मुझे बताओ कि अलवर भरतपुर होगा क्या, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, जिस आप अपने दिमाग से लीजिए बातों को, क्योंकि ऐसे पूछ लिया कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, मजे आ जाएंगे आपको, समझे ना। तो तरीके से उसको पढ़ो, तो लिख दीजिए अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर धौलपुर, धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, इन चारों को क्या बोलते हैं, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य क्षेत्र बोलते हैं ना इसको, मत्स्य। एक क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है ना, मेवात, मेवात में तो दो ही आते हैं,
अलवर भरतपुर आते हैं, ये मत्स्य हो जाता है। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आप आड़ोती और मत्स्य, क्योंकि लगभग सभी बच्चों को याद ही होता है ये। तो टोटल कितने हो गए? 8। अब दो बच गए, दो बताइए महत्वपूर्ण में किसको लेंगे? ये लिख दीजिए, आप बोलो, उससे पहले बता देता हूँ। जयपुर, टोंक, जयपुर टोंक, ठीक है। आइए, अच्छा अब आसपास आपको और कौन सा दिखता है? क्या क्या चीजें बच गई? ठीक है, और क्या लगाओगे? स्वाई माधोपुर, और बताइए। आपने कह दिया दोसा, कह दिया स्वाई माधोपुर, कह दिया, और बताइए। चलिए लिख दीजिए, दोसा, स्वाई माधोपुर, दोसा, स्वाई माधोपुर, अजमेर, हो गए क्या पूरे? ये है तो अब ये 13 जिले ही है, ध्यान रखना। अब ऐसे केकड़ी काकड़ी करेंगे तो दुदू दादू बहुत हो जाएंगे, ये वहां नहीं जाना आपने अब, अभी वो छोड़ दीजिए अब पंगे अब, ठीक है ना। थोड़ा सा बस अपने पास ये इसी तरीके से ध्यान रखना, ये है। आइए अब नई क्या बात है, लिखिए। इस योजना के तहत बनने वाला पहला बांध, जो पहला डैम बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? नोनेरा, नोनेरा डैम। अब इसकी जांच कर रहे हैं, वो आज का अखबार पढ़ना जाके, हो सकता है आज के अखबार में भी आपको ये मिल जाएगा। नोनेरा डैम, नोनेरा डैम है कोटा के अंदर। अभी हाल ही में नोनेरा बांध चर्चा में रहा, इसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ऐसे बनता है, या ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला पहला बांध कौन सा है? है? हाँ है, उसी पे डैम बना रहे हैं, चंबल नदी, ठीक है। वो कौन सी नदी है जो नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी से मिलती है? पार्वती है या काली सिंध है? दोनों में से एक है। वो कौन सी नदी है? नोनेरा नामक स्थान पर क्या है? चंबल से मिल जाती है, वहां पर ये डैम बनाया गया है। बताइए कौन सी है? एक नोनेरा, दो नाम आपको पढ़ाए जाते हैं, चलो पता करो। समझ में आई जी बात सारी? तो आज तक इसको जोड़ दिया है, आगे जो भी नया अपडेशन आएगा वो साथ साथ करते रहेंगे। चलिए जी,